आज की रेसिपी है चीज़ पनीर पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे शाम के नाश्ते में या कभी स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चीज़ के 4 क्यूब्स ले लिए हैं और साथ ही में 200 ग्राम पनीर को, जिसे हमने चौड़े आकार में कट किया है। हमने यहाँ पे थोड़े बड़े पीसेज रखे हैं, आप चाहें तो थोड़े अपने पसंद के पीसेज को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पनीर को 2 बराबर भागों में काट लिया है और साथ में 1 चीज़ क्यूब्स लिया है और दोनों पनीर के बीच में डाल देंगे और सभी पनीर को और क्यूब्स को इस तरह से रख लेंगे। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है, साथ में रेड चिली पाउडर, जीरा, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, नमक और पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि हम अच्छा एक घोल तैयार कर सके, इसमें कोई लम्स न रहे, तो इसलिए पानी को आप थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे और हम इसे एक लम्स फ्री घोल तैयार करके रखेंगे। घोल थोड़ा गाढ़ा हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये घोल तैयार होने के बाद यहाँ पे हमने ब्रेड लिए थे, उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया। अब हम इस घोल में अपनी तैयार की हुई पनीर और चीज़ की क्यूब्स की टिक्की को डालेंगे और अच्छी तरह से कोट करेंगे और फिर इसे कोट करने के बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये काम आप ज़रा सावधानीपूर्वक करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डीप फ्राई किया है। यहाँ पे पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले, फिर इसे लो टू मीडियम रखें और फिर इसमें पनीर को फ्राई करें और इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। और ये लीजिए, एकदम गर्मा गर्म ये चीज़ पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे गर्म गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने सुझाव भी ज़रूर देंगे। इस तरह की रेसिपी और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।